दोस्तों क्या आपके भी शॉर्ट्स वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे हैं, आपका शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं जा रहा है, तो भैया उसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में नहीं जा पा रहा है। क्योंकि जब तक आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में नहीं जाएगा, तब तक आपके वीडियो पर व्यू नहीं आएंगे, आपका वीडियो वायरल नहीं जाएगा। और आपका वीडियो शॉर्ट्स फीड में क्यों नहीं जाता है, आज के वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो में करते हैं, जिस वजह से आपका शॉर्ट्स वीडियो आप तो अपलोड कर देते हैं लेकिन उस वजह से आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में नहीं जाता। क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे शॉर्ट्स वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे हैं, मेरे शॉर्ट्स वीडियो पर शॉर्ट्स फीड से नहीं व्यू आ रहे हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह है। तो भैया शॉर्ट्स फीड से व्यू नहीं आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में नहीं जा रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको तीन गलतियों के बारे में बताऊंगा, अगर आप ये तीन गलतियां सुधार लेंगे तो आपका भी शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाएगा, और आपके वीडियो का रिटेंशन अच्छा रहा तो आपका वीडियो भी वायरल जाएगा 100%। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको तीन गलतियों के बारे में पूरा फुल डिटेल में बता देते हैं। तो अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है उस पर प्रेस करके, बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उस पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट आते रहते हैं जिसको अगर आप देखकर फॉलो करेंगे तो आपके चैनल की ग्रोथ तेजी के साथ होगी और आपका वीडियो भी वायरल जाएगा और आप भी एक सक्सेसफुल शॉर्ट्स क्रिएटर बन जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में उन तीन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो तीन पॉइंट्स क्या हैं जिनकी गलतियों की वजह से आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में नहीं जाता, और ये तीन गलतियां आप सुधार लेंगे तो आपका वीडियो भी शॉर्ट्स फीड में जाने लगेगा और वीडियो भी आपका वायरल हो जाएगा। तो पहला नंबर गलती की बात करते हैं कि पहली गलती क्या है। तो भैया पहली गलती है आपका शॉर्ट्स वीडियो का साइज सही ना सिलेक्ट करना। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएटर उसका साइज कुछ भी ले लेते हैं वीडियो का, जिस वजह से उनका वीडियो शॉर्ट्स फीड में नहीं जा पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब अपने शॉर्ट्स वीडियो को एडिट करते हैं तो आपको जब आप अपना शॉर्ट्स वीडियो एडिट करने जाएंगे तो आपको जो अपने वीडियो का साइज लेना है वो 1:1 लेना है, या फिर स्क्वायर साइज जिसे बोलते हैं 1:1 यानी स्क्वायर साइज लेना है, या फिर 9:16 जिसे कि पोर्टेबल साइज बोलते हैं वो लेना है। 9:16 या फिर 1:1 के साइज का अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आप वीडियो अपलोड जैसे ही करेंगे वो वीडियो को जो YouTube का एल्गोरिदम है वो समझ जाएगा कि आपने जो वीडियो एक मिनट से कम का वो वीडियो होना चाहिए। ये भी कंडीशन है, एक मिनट से कम का वीडियो हो और 1:1 और 9:16 का वो वीडियो हो, या फिर 1:1 स्क्वायर साइज या फिर 9:16 का, ये दोनों साइज, इन दोनों साइज का वीडियो होगा और एक मिनट से कम का होगा तो आपका वीडियो अपलोड होते ही YouTube का जो एल्गोरिदम है उसे पता चल जाएगा कि आपने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया है, और जब साइज सही रहेगा आपका तो आपका भी शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाता है। तो एक तो ये नॉर्मल गलती हो गई जो कि नए क्रिएटर्स जो भी हैं शॉर्ट्स में आते हैं वो ये करते हैं, तो आपको वीडियो एडिट करते समय हमेशा इन्हीं दो साइज का सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरी गलती ये करते हैं कि आप अपने टाइटल में #shorts, अपने डिस्क्रिप्शन में #shorts और अपने टैग में शॉर्ट्स नहीं लिखते हैं। अब बहुत से भाई लोग बोलेंगे कि सर अगर हम ऐसा ना लिखे तो भी शॉर्ट्स फीड में वीडियो जाता है। जी हाँ जाता है, आप #shorts ना लगाएं तो भी आपका वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाता है, लेकिन अगर आपका चैनल नया है, आप नए चैनल पर काम कर रहे हैं तो आपको #shorts लगाना जरूरी है, क्योंकि YouTube का जब शॉर्ट्स वाला एक आया था पूरा फंक्शन उसमें लिखा था कि आपको अपने टाइटल में #shorts लगाना कंपलसरी है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर एक नए क्रिएटर हैं, आपने नया शॉर्ट्स का चैनल ओपन किया है तो आपको अपने टाइटल में #shorts, अपने डिस्क्रिप्शन में #shorts और अपने टैग में शॉर्ट्स जरूर लिखना है, क्योंकि बिना #shorts लगाए भी आपका शॉर्ट्स फीड में वीडियो जाता है लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं होती है, और नए शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए तो कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाएगा। इसलिए अगर आप जो YouTube का एल्गोरिदम है, जो उसका इंस्ट्रक्शन निकला हुआ है कि #shorts आपको लगाना है, वो आप जरूर कीजिएगा। टाइटल में #shorts, डिस्क्रिप्शन में #shorts और टैग में शॉर्ट्स, जब ये आप तीनों जगह लगाएंगे तो आप एक नए क्रिएटर हैं, आपका वीडियो पर व्यू भले ही कम आए लेकिन YouTube के एल्गोरिदम में जब आपका वीडियो सेट होगा तो आपका फिर शॉर्ट्स फीड में शॉर्ट्स वीडियो उठाकर भेज देगा। तो ये लगाना कंपलसरी है, भले ही बिना #shorts लगाए वीडियो जाता है शॉर्ट्स फीड में, लेकिन जो तीनों जगह मैंने बताया है, टाइटल और टैग और डिस्क्रिप्शन, इन तीनों जगह आपको ये शॉर्ट्स वाला जो सिस्टम मैंने बताया #shorts और शॉर्ट्स, ये तीनों चीज आपको लगा देना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में
तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था और ये जरूरी भी है। आप ये दो गलतियां तो बेसिक थी जो कि नए शॉर्ट्स क्रिएटर करते हैं, लेकिन ये तीसरी जो गलती है ये सभी से होती है और यही गलती की वजह से आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में नहीं जाता। चलिए उस गलती के बारे में बात कर लेते हैं। वो गलती है ऑडियंस रिटेंशन। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका शॉर्ट्स वीडियो स्टार्ट में अगर 10 लोगों का शॉर्ट्स फीड में भेजा तो लगभग जो भी आपके सब्सक्राइबर है 40-50-100 उनके पास ब्राउज फीचर में भेजता है। जैसे 10 लोगों को ही भेजा ब्राउज फीचर में, अब वो 10 लोग क्या किए, आपके वीडियो में आपने सही से रिप्रेजेंट नहीं किया है, सही से स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। स्क्रिप्ट कैसे लिखना है उसको कल के वीडियो में मैंने बता दिया है। आपने सही से स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, सही से वीडियो रिप्रेजेंट नहीं किया है, सही से वीडियो एडिटिंग नहीं किया है। तो वीडियो एडिटिंग पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं, मुझे याद आया वीडियो एडिटिंग से, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि सर वीडियो एडिटिंग पर भी वीडियो लाइए, तो बहुत जल्द कल ही नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी, 100% मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं नेक्स्ट वीडियो होगी वीडियो एडिटिंग पर। तो वीडियो एडिटिंग की वजह से आपने सही से नहीं किया, सामने वाला गया बंदा देखने ब्राउज फीचर में आपका वीडियो, ओपन किया वीडियो, देखा 20-30-40-50-60% तक देखा, इसके बाद हट लिया, 50% देखकर हट लिया। तो स्टार्टिंग के जो 10-20-50 लोगों के पास भेजा ब्राउज फीचर में, उनका वो लोग जो वीडियो देखे उनका रिटेंशन सही नहीं रहा। अब भैया जब रिटेंशन सही नहीं रहा तो आपका वीडियो आगे शॉर्ट्स फीड में कैसे जाएगा, क्योंकि आपका वीडियो शॉर्ट्स फीड में तभी YouTube भेजता है जब आपके जो भी सब्सक्राइबर है चाहे 10 हो 5 हो 50 हो उनके पास जब ब्राउज फीचर में भेजता है और ब्राउज फीचर से जब व्यू आते हैं और व्यू आने के बाद रिटेंशन अच्छा रहता है, मतलब 70-80% माने 70-80% जब आपका ऑडियंस रिटेंशन रहता है तभी आपका वीडियो उठाकर शॉर्ट्स फीड में भेजता है। और सभी गलती इसलिए करते हैं कि सही से रिप्रेजेंट अगर वीडियो नहीं किए हैं तो आपका अगर 40-50% देखकर आधा वीडियो देखकर चला गया व्यूवर्स और 50% आपका रिटेंशन रहा तो आपका वीडियो कभी भी शॉर्ट्स फीड में नहीं जाएगा। इसलिए मिनिमम 70% आपका रिटेंशन होना चाहिए स्टार्टिंग में, जिससे आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाए। अगर आपके वीडियो में 70% से कम रिटेंशन है, 50% है, तो ब्राउज फीचर में 50% रिटेंशन आने के बाद ही यूट्यूब जान लेता है आपके वीडियो में दम नहीं है, वो उठाकर शॉर्ट्स फीड में नहीं भेजता। तो मेन गलतियां ये होती हैं और आपको कैसे रिटेंशन बढ़ाना है, कैसे आपको इंगेजिंग रखना है अपना वीडियो, उसके लिए मैंने बताया है कि स्क्रिप्ट में कैसे आप वीडियो बनाइए, कैसे स्क्रिप्ट लिखकर उस पर वीडियो बनाइए, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पिछला वीडियो उसी पर था, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो ये तीन गलतियां हैं जिस वजह से आपका वीडियो शॉर्ट्स फीड में नहीं जाता। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो चुका है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।